सब फार्म्स में जो राउंड पैन बने होते हैं उनमें मेजर समस्या आती है धूल उड़ने की, उसका हल भी हम लोगों ने परमानेंट कर दिया है। यह धूल आपके पड़ोसियों को भी परेशान कर सकती है, आपके पौधों पे भी जाके जम सकती है, और आपके जो घोड़े इसमें दौड़ते हैं वो भी इससे परेशान होते हैं। तो हम लोगों ने इसका परमानेंट एक सॉल्यूशन कर दिया है, ये रेन गन। ये वॉल हमारी फोटोग्राफी की वॉल है, और फोटोग्राफी में ये उड़ती हुई धूल काफ़ी ख़तरनाक होती है हमारे लिए, कैमरे को डिस्ट्रैक्ट करती है, और अगर एक आदमी इसको पानी देने लगे तो शायद उसकी पूरे आधी दिहाड़ी या कई घंटे इस काम में चले जाएंगे और वो थक भी जाएगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है आपके राउंड पैन को धूल से बचाने के लिए। ज़्यादातर लोगों का एक सवाल और होता है कि एक राउंड पैन कितना बड़ा होना चाहिए, उसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, वो आपकी जगह पे डिपेंड करता है। हमारा जो राउंड पैन है ये सेंटर में से 35 फीट एक साइड को है, सो टोटल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो 70 फीट है। ये बहुत बड़ा राउंड पैन नहीं है, अगर आपको ट्रेनिंग के लिए और अगर आपको घोड़े के साथ कम्युनिकेट करना है तो राउंड पैन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ये वॉल फोटोग्राफी की बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ होती है। बहुत बड़े राउंड पैन में भी आप घोड़े के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते और एक अकेला आदमी घोड़े को भगा भी नहीं सकता। जहाँ पे भी आप राउंड पैन बनाएं उसकी मिट्टी नरम होनी चाहिए, नहीं तो जो नए बछेरे और बछेरियाँ हैं कई लोग उनको ज़्यादा काम देने के चक्कर में उनके पैरों में या उनकी कैनन बोन में कहीं ना कहीं सूजन ज़रूर ला देते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि इसकी मिट्टी बिल्कुल नरम होनी चाहिए, और हो सके तो कभी कभी इसमें ट्रैक्टर चला देना चाहिए, अगर तो रेत है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ इस तरह की लंजिंग पक्की ज़मीन के ऊपर काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। लगाम डाल के जो लंजिंग दी जाती है उसको तो मैं बेहद ही ख़तरनाक मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ घोड़े का जो मुंह है उस पे आपको काफ़ी गलत प्रेशर हम लोग डाल देते हैं, और घोड़े का मुंह और उसकी पीठ पे उसका काफ़ी गंदा असर पड़ता है। मैं भी पहले यही समझता था कि घोड़े को गोल गोल घुमा दीजिए, उसके मुंह में लगाम डाल लीजिए और ये लंजिंग हो गई, मगर ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसके बारे में जितना पढ़ा जा सके सीखा जा सके उतना ही कम है, और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ घोड़ों के बारे में, मैं भी अभी तक इस फील्ड में सीख रहा हूँ, और कोई भी जो सुझाव है वो हमेशा वेलकम रहता है। जहाँ पे भी लगता है कि हम लोगों ने आज तक गलत किया तो अपने आप को सॉरी बोल के हम दोबारा नए सिरे से घोड़ों की बेटरमेंट के लिए पुरानी गलतियों को बिल्कुल सुधार देते हैं और छोड़ देते हैं।